दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पीए को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके ट्वीट से ये जानकारी मिली है, इस वक्त की बड़ी खबर। हालांकि सिसोदिया कह रहे हैं कि झूठी एफआईआर बनाकर पीए को गिरफ्तार किया गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि उनके पीए की गिरफ्तारी हो चुकी है, ईडी द्वारा बाकायदा ट्वीट किया है और मेरे पीए को गिरफ्तार किया गया है, झूठी एफआईआर वो बता रहे हैं। इन्होंने झूठी एफआईआर कर मेरे घर रेड करवाई, बैंक लॉकर तलाश किए, ये मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया। आगे लिखते हैं, मेरे गांव में जांच कर ली लेकिन मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला है। आज इन्होंने मेरे पीए के घर पर ईडी की रेड करी और वहां भी कुछ नहीं मिला। अमित पांडे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और ये ट्वीट मनीष सिसोदिया की तरफ से किया गया है वो आप देख ही रहे हैं। तो अब उसको गिरफ्तार करके ले गए हैं भाजपा वालों, चुनाव में हार का इतना डर, इन्होंने झूठी एफआईआर कर मेरे घर रेड करवाई है, बैंक लॉकर सब तलाश लिया। अमित, पीए की गिरफ्तारी हुई है, क्या मिला है ऐसा ईडी को? देखिए, अभी जो जानकारी थी वहां पर हम नहीं सुन पा रहे हैं अमित, आपको ऑडियो में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक कराते हैं। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया के पीए की गिरफ्तारी हो गई है। बकायदा ट्वीट करके इतना लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट करके लिखा है और उसको चुनाव से भी जोड़ा है। पहले उन्होंने कहा कि मेरे घर दफ्तर गांव हर जगह तलाशी ली गई, कुछ नहीं मिला, और अब पीए के खिलाफ एफआईआर करके उसको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। चुनाव से घबरा गई है भाजपा, ईडी की रेड करा रखी है और मेरे पर जोर नहीं चला तो पीए की गिरफ्तारी कराई गई है, और चुनाव में जोड़ते हुए यहां पर ट्वीट किया है डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया ने। देखते हैं आगे क्या होता है और उसके बाद अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं। हालांकि ये इस गिरफ्तारी पर सवाल उठा दिए हैं मनीष सिसोदिया ने और इसको एकदम झूठा बताया है, फंसाया जा रहा है, ये कहना है उनका। अमित एक बार फिर से जुड़ गए, अमित जानकारी दे रहे थे आप गिरफ्तारी को लेकर। ये बताया जा रहा है कि सुबह सीबीआई की एक टीम जो मनीष सिसोदिया के पीए देवेंदर है उनके घर पहुंची थी पूछताछ के लिए, एक्साइज पॉलिसी के मामले में ये पूछताछ करने के लिए टीम पहुंची थी, और जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि उनकी बातों से जो भी जो पूछताछ कर रही थी सीबीआई उससे संतुष्ट नहीं थी, जिसके बाद उन्हें अपने साथ ले गई है। गिरफ्तारी हुई है कि नहीं इसको लेकर अभी सीबीआई की तरफ से बयान आएगा तब हम कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल मनीष सिसोदिया ने ये ट्वीट कर जानकारी भी दी है कि उनके पीए जो है उनको सीबीआई की एक टीम जो है अपने साथ ले गई है और उन्हें गिरफ्तार किया है। ये पूरा मामला एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा हुआ है और इससे पहले भी सीबीआई ने कई सारे जो कारोबारी हैं लिकर के कारोबारी और मनीष सिसोदिया के करीबी कुछ नेता हैं उनके घर भी पूछताछ कर चुकी है। तो अमित पता कीजिए कि गिरफ्तारी हुई है या नहीं, क्योंकि मनीष सिसोदिया के ट्वीट से तो लग रहा है कि पीए को गिरफ्तार कर लिया है।